नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कागज दलित सिंह, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डॉज कॉइन के बारे में। दोस्तों हाँ, मैं काफ़ी बहुत दिनों बाद ही इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम है कहीं एक अच्छा टाइम रह सकता है। किस चीज़ के लिए एंड किन लोगों के लिए अच्छा टाइम रह सकता है उसके बारे में मैं जो बात करूँगा सारी की सारी, एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में उसके बारे में भी हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल से फ्यूचर प्राइस प्रिडक्शन तो नहीं करने वाला, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट जो ये दे सकता है, कितना लॉस ये दे सकता है उसके बारे में बिल्कुल से मैं जो है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम यहाँ पर करंट स्टेटस देखेंगे क्या चलता हुआ नजर आ रहा है डॉज कॉइन का, बात करूँ यहाँ पर करंट प्राइस की 0.063 की जो प्राइस है वो यहाँ पर डॉलर के अंदर रन करती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे के अंदर जो चेंज है यहाँ पर 2% के अप में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर जो मार्केट है बहुत सारे टोकन यहाँ पर डाउन में है, बहुत सारे टोकन यहाँ पर अप में है, उनमें से एक टोकन हमारा डॉज कॉइन भी यहाँ पर जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है 2% अप में। इसके बाद में बात करूँ यहाँ पर ऑल टाइम हाई से जो टोकन यहाँ पर 91.3% समथिंग जो है डाउन में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये टोकन कभी बहुत अच्छा खासा हुआ करता था, यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा डाउन चला गया है। इसके बाद में यहाँ पर ऑल टाइम लो से जो टोकन है इसने जो हमें प्रॉफिट दिया है 72,000 या फिर मैं बोलूँ पूरे 73,000% समथिंग का जो प्रॉफिट है वो हमें अपने ऑल टाइम लो से इसने जो क्रिएट करके दे दिया है। मार्केट कैप रैंक की बात करूँ टॉप 10 के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है, 9वीं रैंक जो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिले। मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप हमें जो है $8.9 बिलियन के समथिंग का जो मार्केट कैप है हमें वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक तरह से देख सकते हो पूरे 9 बिलियन डॉलर के समथिंग का जो मार्केट कैप है वो एक तरह से है इसके अंदर। इसके बाद में बात करूँ यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो यहाँ पर $480 मिलियन के समथिंग का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे के अंदर वो जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद में अगर हम इसका जो चार्ट वगैरह थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर वन ईयर का अगर आप चार्ट देखते हो तो वो आपको डाउन में देखने के लिए मिलेगा। 60 दिन का चार्ट देखते हो 2% अप है यहाँ पर। इसके बाद में 7 दिन का चार्ट देखते हो वो यहाँ पर डाउन में है। अभी 24 घंटे के अंदर हमें जैसा कि पता चल रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 2% अप है। ये सारी चीज़ भूल जाओ, ओवरऑल मैं आपसे बोलूँ कि भैया अगर आपने जो है बीच में पंप आता रहता है उस बीच में अगर आपने पैसे कमा लिए होंगे तो वो चीज़ एक अलग है, वरना अगर आपने एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से जो आपको इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप जो है यहाँ पर बिल्कुल से आप जो यहाँ पर डाउन में देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर डाउन में देखने के लिए मिल रहे हैं, वो लोग क्या करें कि थोड़ी सी एनालिसिस थोड़ी सी रिसर्च और करें, आपको पता चलेगा कि भैया इलॉन मस्क ने जो है डॉज कॉइन को लेकर बहुत दिन से कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। जबकि हमें पता है कि दो तीन चार महीने बाद डॉज कॉइन को लेकर के इलॉन मस्क भैया कुछ ना कुछ तिरड़म पांच कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर कमेंटबाजी करते रहते हैं। जैसे ही उनकी एक छोटी सी भी कमेंट आती है तो हमें पता चल जाता है कि डॉज कॉइन के अंदर जो पंप है वो यहाँ पर 10-20% का बहुत प्यार से जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो कहीं ना कहीं मार्केट हमारी डाउन है, इलॉन मस्क भैया चुप हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इलॉन मस्क भैया हमारे को बोलते हुए नजर आएंगे, अगर क्रिप्टो की बात करते हुए नजर आएंगे तो सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा यहाँ पर डॉज कॉइन। अब एक चीज इससे समझने की कोशिश करो कि जहाँ पर जिस टोकन के अंदर जिस कॉइन के अंदर यहाँ पर पूरे के पूरे एक साल का चार्ट अगर आप उठा के भी देखते हो या फिर मैं बोलूँ जितना भी आप उठा के चार्ट देखो तो आपको जो है डाउन देखने के लिए मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि 91.3% समथिंग जो है अपने ऑल टाइम हाई से डाउन में है, खत्म सा ही ये टोकन, तो इससे आप खुद समझ सकते हो कि टोकन कितना ज़्यादा डाउन है, चार्ट पूरा ही पूरा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर कम से कम भी उठेगा तो आपको जो है 20% उठता हुआ नजर आएगा, अगर छोटा सा भी इसके अंदर एक पॉजिटिव कहीं से भी कुछ भी न्यूज आती हुई नजर आई। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया डॉज कॉइन को जो है यहाँ पर इलॉन मस्क भैया ने छोड़ दिया है, तो ऐसा बिल्कुल से नहीं है। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि मैं किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज या फिर इवन यहाँ पर जो अपना एक्स बनाया है उन्होंने ट्विटर का या फिर अपना खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने का उनका कोई भी मकसद नहीं है इन फ्यूचर कभी भी, ऐसा बिल्कुल से ऑफिशियली जो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर उनकी क्रिप्टो करेंसी जानी मानी रहती है डॉज कॉइन उस पर ही जो है वो फोकस करने वाले हैं, उसके बारे में भी जो बात करने वाले हैं। अगर नई करेंसी के बारे में बात कर रहे होते तो नई करेंसी उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि नहीं, हम ऐसी कोई करेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हम लाएंगे अपनी खुद की करेंसी। भैया उनकी पहले से है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ या फिर एक कमेंट छोटी मोटी कुछ उल्टी सीधी भी कमेंट आ जाए ना भैया, तो आपको 10-20% का प्रॉफिट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, एक प्राइस पॉइंट अच्छी मिल रही है, तो ये वाली चीज़ मैं बोलूँगा भैया लॉन्ग टर्म के लिए डॉज कॉइन को मैंने ना आज तक सजेस्ट किया है ना मैं आपको डॉज कॉइन को कभी सजेस्ट करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सजेस्टेबल टोकन नहीं है, बिकॉज ऑफ मैं हमेशा से आपको बोलता हुआ नजर आया हूँ कि जिस टोकन की जिस कॉइन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है, उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो माइनर्स हैं
यहाँ पर लगे हुए हैं और पर डे के यहाँ पर जो माइनिंग है वो यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर टोकन है मार्केट के अंदर पर डे के आते हुए जा रहे हैं। अब वो टोकन कभी कम होंगे ही नहीं, मींस कि सप्लाई उसकी कम हो ही नहीं रही है, तो प्राइस उसकी डिमांड उसकी कैसे बढ़ती हुई नजर आएगी। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्राइस तो आपको देखने के लिए मिल सकती है, प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है, उस चीज़ के बारे में आपसे बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे एक दो साल, दो साल के लिए बिल्कुल से नहीं है भैया, भूल जाओ। आपको अभी कर लो इन्वेस्टमेंट, एक प्राइस अच्छी मिल जाए यहाँ पर, एक प्राइस यहाँ पर जो अच्छी मिल जाए यहाँ पर 0.063, इसके बाद में जीरो आपको देखने के लिए मिल जाए, बहुत सोने पर सुहागा होगा। हालांकि इतना जाए कि नहीं जाए कन्फर्म नहीं है, लेकिन सोने पर सुहागा हो जाएगा ये प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इसके बाद में जो पंप हो जाएगा वो यहाँ पर आराम से वो आपको प्रॉफिट है 50% का प्रॉफिट दे जाएगा वन मंथ के अंदर। इससे ज़्यादा आपको जो होल्ड करके रखना भी नहीं है, बिल्कुल से सजेस्टेबल नहीं है कि वन मंथ से ज़्यादा आप जो है यहाँ पर डॉज कॉइन को जो यहाँ पर रखो। बात बाकी की अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर से करना है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आँख बंद करके कूद पड़ो। आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा, जो भी आप चाहोगे वो आप खुश करोगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती जाएंगे, चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।